गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं किचन से। तो सवेरे के बज रहे हैं 5:15 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो एक गैस पे चढ़ा दी मैंने चाय और दूसरे गैस पे चढ़ा दिया है मैंने दूध। तो जहाँ तक चाय बनती है वहाँ तक इस फली को मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि फली को मैंने रात में ही धो के रख दिया था। अब ये देखिए हमारी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं चाय छान लेती हूँ। अब चाय पी के मैं फिर से किचन में आऊँगी नहा धो के तैयार होके, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। और यहाँ पर मैं चाय आधा कप ही लेती हूँ और ये हमारा दूध भी गर्म हो चुका है, तो दूध को मैं ढक देती हूँ। अब मैं पहले कद्दू को कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कद्दू का रायता बनाऊँगी, क्योंकि फली तो अधूरी रह गई तो फली को बाद में काटूँगी। और कद्दू का रायता बहुत ही टेस्टी लगता है, और मुझे तो कद्दू का रायता इतना पसंद है कि मैं तो कद्दू के रायते से ही खाना भी खा लेती हूँ। तो मैंने कद्दू के बारीक बारीक पीस कट कर दिए हैं और गैस पे चढ़ा दिया है मैंने पानी, और पानी उबलने के बाद मैंने डाल दिए भगोनी में कद्दू के पीस। और उसके बाद में इन फलियों को फिर से कट करना शुरू कर रही हूँ। 4:45 बजे के लगभग मैं उठी थी और चाय पीने के बाद मैं तैयार होके आई, तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 6 और देखिए हमारी फली भी कट हो चुकी है। तो सवेरे का टाइम बहुत जल्दी जल्दी का होता है, तो हमें जल्दी जल्दी से सभी काम करने होते हैं। मैंने एक गिलास में दूध भर के रख रखा था, तो मैं इसे भी बीच बीच में पी लेती हूँ। और मैं कद्दू चेक कर रही हूँ कि ये अभी बॉयल हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं फली की सब्ज़ी में डालूँगी एक आलू, क्योंकि फली के साथ आलू बहुत अच्छा लगता है, और ये जो थोड़ी सूखी सब्जी होती है तो इसे टिफिन में रखने में आसानी होती है। फली को मैं धो लूँगी, लेकिन ये देखिए हमारा यहाँ पर कद्दू बॉईल हो चुका है, तो कद्दू को निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में, क्योंकि कद्दू को ठंडा करना है। कद्दू को हमें डालना है छाछ या मतलब दही में, तो कद्दू जहाँ तक ठंडा होता है मैं सब्जी छौंक देती हूँ। तो मैंने कुकर में चढ़ा दिया है तेल और एक प्याज कट करके, प्याज और हरी मिर्ची मैंने कुकर में डाल दी, और सभी मसाले डाल दूंगी, नमक मिर्ची हल्दी धनिया और नमक। और मसाला भूनने के बाद मैं डाल दूंगी कुकर में फली और आलू। फली और आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं लगा दूंगी कुकर में ढक्कन और 2 सीटी लूंगी, जिससे क्या होगा कि सब्जी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो जहाँ तक कुकर में सीटी लगती है वहाँ तक मैं बना लेती हूँ छाछ, थोड़ी गाढ़ी छाछ बनाती हूँ मैं। बिल्कुल दही में भी मैं ये रायता नहीं बनाती, क्योंकि थोड़ा सा पतला रायता ही अच्छा लगता है। तो मैं दही को फेंट लेती हूँ, और मैंने जितना दही था उतना मिलाया है मैंने पानी। और मैं यहाँ पर भुना हुआ जीरा, काला नमक और पुदीना मैंने जो सूखा के रख रखा था, तो उसकी पत्तियाँ मैं छाछ में डाल रही हूँ। अब ये कद्दू भी ठंडा हो चुका है, तो इसे मैं मैश कर दूंगी चम्मच से और छाछ में मिला दूंगी। अब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये रायता मुझे रोटी से खाना है, मतलब रोटी से खाना अच्छा लगता है, तो मैं इसमें मिर्ची भी डाल रही हूँ। और रायता बन के तैयार हो चुका है, तो रायते को रख दिया है मैंने एक तरफ। अब मुझे लगाना है आटा, क्योंकि रोटी बनानी है और 6:30 बजे का टाइम होता है हो चुका है, और सवेरे का टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकलता है, पता ही नहीं चलता। हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, तो सबके काम करती जाती हूँ। यहाँ पर मैंने गिलास में दूध भर दिया है और कुकर की सीटी निकाल दी है, और ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। मैं आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। इस सब्ज़ी को यदि हम कढ़ाई में बनाते हैं तो बहुत समय लगता है, और ये आटा भी लगा लिया है मैंने। हर वीडियो में या एक बार ज़रूर बताती हूँ कि मल्टीग्रेन आटा ही मैं यूज करती हूँ। तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो रोटी बनाने के लिए मैं जगह कर रही हूँ, क्योंकि किचन मेरी छोटी है तो जगह कम पड़ती है। जैसे जैसे खाना बनता जाएगा वैसे वैसे मैं टिफ़िन पैक करती जाऊँगी, क्योंकि 7 बजे तक मुझे टिफ़िन तैयार करना होता है। तो एक बार मैं आटे को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, अब मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर मुझे पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है, और कितना ही जल्दी करो हम लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं जहाँ तक रोटी सिकती है मैं
सब्जी को तो टिफ़िन में रख के एक तरफ कर देती हूँ, क्योंकि सारे टिफ़िन एक साथ पैक नहीं कर सकती, लेट हो जाते हैं। तो सब्जी का टिफ़िन तो मैंने कर दिया है पैक, अब मैं बना लेती हूँ रोटी। रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया और सबसे पहली रोटी जो बनती है उसे मैं गौ माता को ही देती हूँ और उसमें घी शक्कर रख देती हूँ। तो रोटी मैंने बना ली है गौ माता की, उसे मैंने एक तरफ रख दिया है क्योंकि अभी सवेरे जल्दी जल्दी का टाइम है तो नीचे जाना संभव नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ। अब रोटी और मुझे रायते का टिफ़िन भी पैक करना है, तो सबसे पहले मैं रायते का टिफ़िन पैक कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में रायता सभी को पसंद आता है। तो मैं लगभग डेली रायता बनाती हूँ, किसी किसी दिन नहीं बना पाती तो मैं छाछ बना लेती हूँ, किसी दिन कद्दू का रायता बना लेती हूँ, किसी दिन पालक का बना लेती हूँ, किसी दिन बूंदी का बना लेती हूँ और किसी दिन लौकी का बना लेती हूँ। तो रायते मुझे बहुत पसंद है और कभी कभी प्याज का रायता भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी रोटी भी बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं रोटी का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। और ये रोटी में ये जो एल्यूमिनियम फॉइल में पैक नहीं करती हूँ, ये ओडी का यूनिरैप है उसी में पैक करती हूँ, इससे रोटी बहुत ही सॉफ्ट रहती है। और यहाँ पर मेरे तीनों टिफ़िन पैक हो चुके हैं और आज मैं छाछ नहीं रख रही हूँ। यदि जिस दिन मैं रायता नहीं बनाती हूँ तो मैं एक डिब्बे में छाछ भर के रख देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर फिर से टिफ़िन बनाना शुरू मतलब खाना बनाना शुरू कर दिया है, तो अगले टिफ़िन बनाऊँगी यहाँ पर मैं मेरा टिफ़िन बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी रोटी बनाती जा रही हूँ और बहुत जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है और मैं लेट होती जा रही हूँ। तो जैसे जैसे हम लेट होते हैं उसी तरह से हमारी स्पीड जल्दी जल्दी हो जाती है। शुरू शुरू में तो हम धीरे काम करते हैं लेकिन बाद में हमारे काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। और सवेरे के टाइम तो ऐसा लगता है कि हम जल्दी जल्दी सभी काम कर लें लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है, सोचते हैं ये भी कर लें वो भी कर लें लेकिन टाइम तो बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन पैक कर लिया है रोटी का, अब मैं सब्जी और रायता दोनों पैक करूँगी और बीच बीच में दूसरे भी काम करती जा रही हूँ। तो दूसरा टिफ़िन कर लिया मैंने रायते का और तीसरे टिफ़िन में रख दूँगी मैं सब्जी, फली की सब्ज़ी जो कि मैं कम रखूँगी। वैसे मुझे फली की सब्ज़ी पसंद है लेकिन रायता ज़्यादा पसंद है, रायते के आगे तो मुझे कुछ भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत सब्ज़ी खा लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के दिनों में तो सभी को ही रायता पसंद होता है, रायता या छाछ तो खाने के साथ डेली लेते हैं सभी। और यहाँ पर टिफ़िन पैक हो चुका है तो मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है तो मुझे जल्दी जल्दी से किचन की सफाई करनी है, जितना हो सकता है मैं अभी कर लेती हूँ और जो बच जाता है उसे मैं दिन में कर लेती हूँ। और आप सबको ये मेरा किचन वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना और आगे भी वीडियो देखते रहना।